मैंने बहुत कनेक्शन किया गॉड के साथ, मैंने अरदास की और मैं जुड़ता था गॉड के साथ। मुझे सच में कोई भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। 6 महीने के अंदर मैं तारक मेहता को उल्टा चश्मा, किसी ने नहीं सोचा था कि 10 साल चलेगा। लेकिन थैंक गॉड कि हमारी जो टीम है वो बहुत ही अच्छी है, सब लोग भगवान को मानते हैं और कुछ ना कुछ प्रेयर्स करते रहते हैं। नहीं तो 10 साल तक एक सीरियल चलना आज के टाइम में मुमकिन नहीं। आपस में नहीं बनती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर यहाँ जो टीम थी वो प्यार मोहब्बत में जीती है, मिलजुल के काम करती है। देखो दो भाइयों में भी लड़ाई होती है, यहाँ भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम पर ध्यान ना दें। हम पूरा ध्यान देते हैं। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा काम है ना उसको ना छोड़ें। वर्क इज वर्शिप। तो अगर हम सच में उसको मानते हैं वर्क इज वर्शिप, जब आप काम पे ध्यान दे रहे हो तो फिर काम पे ध्यान दो, बाकी बातों पे क्यों ध्यान। फोकस, वो फोकस बहुत जरूरी। तो दूसरी चीज थी कि लोग मुंबई में आते हैं, यहाँ पे बेचारे स्ट्रगल करते हैं और कुछ वापस चले जाते हैं, कुछ यहीं पे रह जाते हैं, जॉब्स करनी शुरू कर देते हैं या कुछ वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं इस ऐप के जरिए उनको मौका दूंगा। मैं शायद आपको पता नहीं है, मैं एक पिक्चर भी बनाने जा रहा हूँ और शानदार पिक्चर बन रही है और थ्री लैंग्वेज है, यानी कि हम लोग उसको हॉलीवुड पंजाबी मूवी बना रहे हैं। हम लोग उसको पंजाबी में बना रहे हैं, हिंदी में बना रहे हैं और इंग्लिश में भी बना रहे हैं। पिक्चर का नाम है रिप्स दमन जीत सिंह सोढ़ी। अच्छा एक चीज और गौर कीजिएगा, हेल्थ वाइज अगर आप जस्ट अभी के एपिसोड देखेंगे तो मेरा पेट ऐसे निकला हुआ है। सिर्फ 12 दिन के अंदर मैंने अंदर किया है, क्योंकि 12 दिन में ऐप लॉन्च था और मुझे 12 दिन में करना था, मैंने कर दिया क्योंकि मैं अंदर के अपने रिसोर्स के साथ कनेक्ट किया। आपको डाइट और जिम से ज्यादा अपने रिसोर्स से कनेक्ट करना है। मैंने 12 दिन में कम किया, 3 इंच कम किया और वेट मेरा 8.5 किलो कम हुआ सिर्फ 12 दिन के अंदर। और सब लोग मुझे कह रहे हैं, मेरे जो को आर्टिस्ट है तारक मेहता, वो सब मुझे कह रहे हैं अरे क्या कर रहा है तू, रामदेव का क्या होगा। अगर रामदेव जी अपना अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं जी, उनको भी हम अप्रिशिएट करेंगे। देखो यही है, किसका क्या होगा, सबका अच्छा ही होगा। सबसे बड़ा ये जो डर है ना, फियर, अरे यार क्या आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, इसको मत सोचो। रब जी ने सबको दिया है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, देखो कैमरे सबके हाथ में है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी लाइफ में अगर फोकस हो जाए ना तो ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। सीरियस बाबा रामदेव जी का जो होगा वो और उनके भगवान जी करेंगे यार, अच्छा ही करेंगे। आपकी लाइफ में क्या होगा उस पे फोकस करो दोस्त। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम दूसरी की लाइफ में ही जाके जा रहे हैं। अरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका अच्छा ही होगा, रब जी सबके साथ अच्छा करेंगे। आप सभी को आके मिली हुई हैं, थैंक गॉड सबकी हैं, कान दिए हैं, जबान से बोल सकते हैं, हाथ से सब कुछ कर सकते हैं, पैरों से चल के कहीं जा सकते हैं, अंदर हार्ट भी धड़क रहा है, टक 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 टक। फ्री में मिला दोस्तों हमको ये सब, किसने दिया, रब जी ने। कितना हम थैंक यू करते हैं हमको, बहुत सीरियस बात है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि फ्री में मिल गई हम, तो कनेक्शन अंदर ही है, वो कनेक्शन फ्री में ही होगा। पर जहां आप 1 लाख रुपए का ट्रेनिंग कोर्स करने जाओगे ना, वहां रोज सुबह 6 बजे उठ के भी पहुंच जाओगे। जिम वाले को हायर करोगे ना ट्रेनर, वो बोलेगा सुबह 5 बजे आना, तो आप 5 बजे भी पहुंचोगे। तो आप बात को समझ रहे हो, तो फोकस ऑन योर लाइफ, ये अलग इन्होंने बोला तो इसलिए वहां टॉपिक में चला गया। तो दूसरी चीज है कि इस वर्ल्ड की मैं बात कर रहा था, इस वर्ल्ड में अंदर आने का मौका दे रहे हैं। मेरा पिक्चर बन रहा है उसमें अभी बहुत से लोगों से बातचीत चल रही है, हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं सारी चीजें, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही है कि उसमें मैं मौका भी देने वाला हूँ बहुत से यंगस्टर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सब ट्रांसपेरेंसी होगी, उस ढंग से आगे बढ़ना है। ये हमारा दूसरा स्वरूप है कि हम लोगों को मौका देंगे और बहुत ही जेन्युइनली देंगे, क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इतने वक्त से मुझे आप सबका प्यार मिला है, अब मुझे वो वापस दें। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं इसको मानता हूँ कि एक दिन मौत आनी है, इस धरती से चले जाना ना। मैं 50 हजार करोड़ लेके जाऊंगा ना, मैं मेरे घर लेके जाऊंगा। कृष्ण भगवान भी बोल के गया, भैया तू इस धरती पे क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा, जो मिला यहीं पे छोड़ के जाएगा।
फिर भी हम समझते नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड हमको समझ नहीं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है माइंड को स्टॉप कर देना, तो जोरों की यही बोलता हूँ स्टॉप, सीरियसली वो समय स्टॉप। उस समय ये जो साइलेंस आता ना, ये इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, गेट कनेक्टेड टू योर माइंड व्हिच इज इनसाइड। तो दूसरी चीज के बाद तीसरी चीज जो है हमारी मेन की, हमने इस पे एक एंटरटेनमेंट का भी बहुत सारा प्रोग्राम रखा है, आज बहुत कुछ सोचा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सी चीजें होगी, नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे वो सारी चीजें जिसमें बहुत, क्योंकि मैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में भी बहुत कुछ करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत से टाइम नहीं था, कैसे फास्ट मैनेज किया रब जी ने कराया टोटली। अभी हम पूरा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में करने जा रहे हैं, जिसमें बड़े अच्छे ढंग से आपको बताएंगे, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट का भी है और ड्रीम बहुत बड़ा रखा है, रब जी पूरा करेंगे और मैंने शुरुआत कर दिया रब जी की कृपा से। सब लोग यहाँ पे आए, आप सबका सीरियसली थैंक यू, दिल से आप लोग अपना वक्त निकाल के आए हो, थैंक यू सो मच। और आप